न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के बारे में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। जब जिले के आला अधिकारी जाम में फंसे नजर आते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम पब्लिक का क्या हाल होगा। मिली जानकारी के अनुसार बांदा के बाबूलाल चौराहे पर अतर्रा रोड से शहर के अंदर आ रहे मंडलायुक्त व जिलाधिकारी आधे घंटे से ज्यादा जाम में फंसे रहे। इस दौरान ट्रैफिक विभाग का कोई भी सिपाही चौराहे पर नजर नहीं आया। पूरा चौराहा दो होमगार्ड के भरोसे चल रहा था। बाबूलाल चौराहे पर एक पुलिस चौकी होने के बाद भी चौराहे के पास दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में चित्रकूट इलाहाबाद की तरफ जाने वाले लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। चौराहे पर प्राइवेट बसों टेम्पो लग जाने से रास्ते में निकलने वाले वाहन हमेशा जाम में फंस जाते हैं। दिन भर शहर के अंदर ओवरलोड बालू मिट्टी लेकर फर्राटा भरते बिना नंबर के या ट्रैक्टर जाम लगाने के साथ साथ लोगों की मौत का कारण भी बनते जा रहे हैं। आए दिन ट्रैक्टर से कुचल कर हो रही मौतें ट्रैफिक व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। कुछ ई रिक्शे की संख्या भी ज्यादा होने की वजह से बेतरतीब चलाते हैं तो कभी जाम लग जाता है, तो उसको कंट्रोल कराते हैं।